नमस्कार, उत्तर प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के द्वारा जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी देंगे। आवेदन करने से पूर्व निम्न डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, फोटो ऑफ एप्लीकेंट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड तथा अन्य जिन डॉक्यूमेंट्स पर एस्टेक लगा है उनको अपलोड करना कंपलसरी है। अब आप अपने ब्राउजर को ओपन करें और उसमें यूआरएल में जाकर janhit.updea.in टाइप करें तथा एंटर प्रेस करें। अब आपको यहाँ 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से लास्ट ऑप्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर अलॉटमेंट पर क्लिक करके प्रोसीड करें। अब आपको अपने आवास से संबंधित अथॉरिटी को यहाँ सिलेक्ट करना है और एंटर टेक्स्ट में जाकर अथॉरिटी का नाम टाइप करें, जिस प्रकार हमने मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सिलेक्ट किया है। अब आपको यहाँ अपना लॉगिन क्रिएट करना है, इसके लिए क्रिएट अकाउंट और फॉर अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। अब आपको दर्शाए गए फॉर्म में आवेदनकर्ता की बेसिक जानकारी, यूजर नेम, पासवर्ड को फिल करना है तथा फोटो को अपलोड करना है। तब सबमिट का बटन दबाएं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी को यहाँ डालें तथा वेरीफाई करें। अब आपका प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। अब आप लॉगिन में जाकर यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आवेदन करने के लिए ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। दिए गए फॉर्म में से स्कीम नेम सिलेक्ट करें तथा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आवेदन करने के पश्चात अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है और अगर आपको रिफंड प्राप्त होता है तो जिस खाते में आप रिफंड चाहते हैं उसकी डिटेल्स यहां दर्ज करें एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब दिए गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, उसके पश्चात एफिडेविट में जनरेट पर क्लिक करें। शपथ पत्र को पढ़ने के पश्चात आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एविप पर क्लिक करें। अब आपका एफिडेविट क्रिएट हो चुका है, ओके प्रेस करें। नीचे दिए गए ऑप्शन में से अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करें और अन्य कैटेगरियों में से भी अपनी उपयुक्त कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ओके करने के पश्चात एक स्क्रीन में आपकी एप्लीकेशन के सामने दिए गए हुए पे के बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी गई राशि को पे करने के लिए पे पर क्लिक करें। अब यहाँ अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को दर्ज करें और मेक पेमेंट पर क्लिक करें। अब यहाँ आपके फोन पर आए हुए ओटीपी को टाइप करें और सबमिट पर क्लिक करें। सक्सेसफुली पेमेंट होने के पश्चात आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा, जिसके द्वारा आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।